और रेट की बात रही तो बीट तो मैं 200% कर दूंगा। बंदे बोलते हैं इस प्रोसेसर का नाम नहीं सुना, वे गूगल सर्च करो कि इसमें ग्राफिक इनबिल्ट है, ये फर्क पड़ता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेकोसमोस, मैं हूं फरहान। और गाइस आप सोच रहे हो कि मैं अभी कहां आया हूं, आप अभी गेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैं अभी गाइस वेयर हाउस में आया हूं। और ये वेयर हाउस जो है ये स्मार्ट टेक का है। तो आप जानते हो स्मार्ट टेक में कौन हमें मिलता है, विकास भैया। तो विकास भैया से चल के मिलते हैं अभी। और गाइस अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस कवर करेंगे, प्रोसेसर्स की प्राइसेस, मदरबोर्ड की प्राइसेस क्या चल रही है, सारी जितने ट्रेंड जो है उस सब के बारे में बात करेंगे गाइस, और थोड़ा सा माइनिंग के भी देखेंगे। तो गाइस चलिए जल्दी से अब अंदर चलते हैं। सो गाइस अभी जो है मैं अंदर आ चुका हूं और यहां पर हमारे विकास भैया है। हेलो भैया। हाय, कैसे हो भैया? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। तो भैया ये बताओ यहाँ पर आने का कैसे तरीका, क्योंकि वेयर हाउस है तो मतलब बताओ एड्रेस पूरा कि कैसे आना है। ठीक है, आना जो मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, नियर अबाउट सोना स्वीट, आप कॉल करो और यहाँ पर लड़का पिकअप कर लेगा आपको वहाँ से। ठीक है, और यहाँ लेके आ जाएगा। ओके, यहाँ पर लेके आ जाएगा। हाँ। मतलब शॉप पे आप मतलब पहुँचाना है, अगर ऑडिबन की वजह से मेरी शॉप खुली है तो शॉप पे लाएगा, अदरवाइज शॉप क्लोज है तो यहाँ लेके आएगा। ओके, और एड्रेस क्या है शॉप का? शॉप का 101 बजाज हाउस। ठीक है। सो गाइस जल्दी से हम लोग अब मदरबोर्ड और सो गाइस पहले आपको थोड़ा वेयर हाउस दिखा देता हूँ। ठीक है भैया, बस कौन कौन से मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पेरिफेरल्स होते हैं, ये सब थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर हम लोग प्राइसेस पे आते हैं। तो भैया थोड़ा दिखाओ हमें कहाँ कितना चीज़ें, क्या क्या चीज़ें। ये देखो क्या दिखाएंगे, अभी तक आपके सामने एक पेटी आई वो जा चुकी है। हाँ, ये आपका 36 पेटी आई, ये भी चार ही बचे 45 पीस में से, वो जा चुके हैं। और इन सब में क्या है पूरा? अरे यहाँ फिल्म जो मार्क हर कोई माइनिंग वाला ढूंढ रहा है। अरे भाई निकल जाए कार्ड, ये है। ओके, ये 2060 सुपर है। अच्छा 2060 अभी तक आपकी वीडियो में किसी में भी नहीं मिला हुआ। हाँ, ये बहुत कम लिमिटेड स्टॉक आ रहा है इसका। तो गाइस प्राइसिंग तो हम लोग ऑब्वियसली कवर करने वाले हैं। ठीक है भैया के पास ये पूरा स्टॉक है, पूरा भरा हुआ इससे भैया, सारे जितने भी हैं, खाली कुछ बॉक्स नहीं है, सब कुछ भरा ही है। ओके, और इधर आप देख सकते हो गाइस, जब मैं जो रेट का चैलेंज देता हूँ ना आपकी वीडियो के माध्यम से, तो वो ऐसे नहीं देते हम कि मार्केट से उठाया दे दिया, रेट का भी चैलेंज चैलेंज कौन बंदा देता है, जिसके पास होगा जभी तो देंगे। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ 1000 रुपये नीचे दे दूंगा, क्यों दे दूंगा, मेरे पास है मैं दे दूंगा। और ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, आपने पहले कभी वीडियो में यहाँ पर नहीं लाया? नहीं, शॉप पे ही, शॉप पे भी कम माल नहीं होता है। और यहाँ पर तो सारा बॉक्स पैक है, सारी पेटी पैक है, निकाल दिया तो निकाल दिया बस। ये भी है, और अगर बात करूँ कैबिनेट में पूरा भरा हुआ है। अच्छा, कुछ भी देख लो भाई। अभी यहाँ अभी आज मेरी शॉप क्लोज थी तो मैंने यहाँ सिस्टम बनाया, तो मेरे पास कुछ भी देखोगे ना, कोई भी खाली बॉक्स नहीं है। ओके, और जी जैसे आप वीडियो के माध्यम से दिखाते रहे, देखो आपका तो काम है, आप यूट्यूबर, आप मेरी नहीं किसी और की भी बनाओगे वैसे भी, तो जो उनके पास स्टॉक होता है वो सिर्फ वही दिखाते हैं और उन्हों का आना होता है। मेरे पास नीचे स्टॉक है और ये मेरा वेयर हाउस है। और वेयर हाउस अभी अच्छे से घुमाओ थोड़ा, दिखाता हूँ। अच्छा ये तो माइनिंग रिग वाली, माइनिंग रिग है, 6 वाली 12 वाली ये सारी माइनिंग रिग है। ठीक है, आप आगे जाइए, ये मैकेनिकल की बोर्ड हो गए, ये कूलिंग पैड वगैरह, ये गेमिंग माउस। ठीक है, यहाँ ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई, लिक्विड कूलिंग, ये सारी चीज़ें, ये मदरबोर्ड हो गए। ठीक है, और आप मुझे नहीं लगता आप अंदर आ पाओगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये सारे लिक्विड कूलर हैं, जैसे ये हो गया, ये सारे लैन वायरिंग यहीं से, ये मदरबोर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अंदर तक, अंदर तो जाने का स्पेस नहीं, एक बार आप आगे देखिए, उधर जाने का स्पेस है तो बताओ। और कहीं पर खाली जगह मिले ना तब भी बताना, खाली जगह का अभी मैं थोड़ा सलूशन करूंगा, वो खाली क्यों है, मतलब एक कोना कोना भर दिया भैया ने स्टॉक से। सब चीज़ है भाई, अगर देखो मार्केट में काम करोगे ना तो सामान लेके करो, बोलने से कुछ नहीं होता। कि वीडियो में बोल दिया कि भाई इस फेक में मत जाओ, भाई अगर आपके अंदर गट्स है अब चीज़ बेको, मैं 1000 रुपये नीचे दे दूंगा, मार्केट चैलेंज करता हूँ, क्यों दे दूंगा, मेरे पास है रेट, आप दे सकते हो, बताओ। और कुछ पूछना है? और ये सब बताओ थोड़ा, इन सब में क्या है? ये लो, ये कहीं डिलीवर हो रहा है क्या? ये भैया नहीं, ये ग्राफिक कार्ड है। ओके, इसमें भी ग्राफिक्स कार्ड है, ये 1660 सुपर है, 1660 ग्राफिक कार्ड है, ये भी ग्राफिक कार्ड है, सारे ग्राफिक कार्ड है। ओके ठीक है गाइस, अभी जो है हम लोग सबसे पहले अब मदरबोर्ड्स की प्राइसिंग कवर करते हैं और प्रोसेसर्स पे। तो प्रोसेसर आपके पास कौन कौन सा होगा वैसे?
देखो जो भी मार्केट में चले सारे प्रोसेसर मिल जाएंगे। सो गाइस प्रोसेसर की बात करते हैं, सबसे पहले प्रोसेसर्स में सबसे पहले हम लोग इंटेल के प्रोसेसर पे आते हैं। इंटेल के प्रोसेसर आपके पास कौन कौन से और क्या क्या प्राइसिंग में है? देखो जो भी मार्केट में है, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट, वो सारे मेरे पास हैं। सब हैं? सब है, एनीथिंग, और सब काम के हिसाब से लिया जाएगा। जैसे जिसका जैसा काम है उसके हिसाब से प्रोसेसर है। अगर मैं बात करूँ i3 की तो क्या प्राइसेस दे रहे हो आप? तो i3 7000 का है। 7000 का? हाँ। ये 10100 10 जनरेशन की। ओके, और अगर बात करूँ i5 पे? i5 ले लो 12500। 12500 में? हाँ। ठीक है, और i7? i7 ले लो आप मेरे से। i7 में 3 वेरिएंट, i7 जो आपका एक आता है उसकी जो बेसिक स्पीड होती है 2.9 है, एक आता है आपका बेसिक जिसमें ग्राफिक इनबिल्ड होता है, एफ में ग्राफिक नहीं होता, एक आता है नॉन के, इसमें क्या होता है, एक आता है 10700, एक 10700 एफ, एक 10700 के। आपका 10700 एफ पड़ेगा आपको कितने करते हैं, 24000 के समथिंग का, और आपका 10700 पड़ेगा आपको 25000 का, और 10700 के जो पड़ेगा वो पड़ेगा 28500 रुपए। ओके, 28500 का, क्योंकि के में क्या है वो आपकी जो हो बेस स्पीड जो 3.8 समथिंग समथिंग है और 5.1 बूस्ट है उसकी। अच्छा, उसका और ओवरक्लॉक करेंगे तो फिर तो के, अगर i7 ले रहे तो के वाला लेगा, जिसे पता है ना i7 लेना है और काम अच्छा चाहिए, जिसे नॉलेज है वो के लेगा, और जिसे बंदे घुमा देते हैं i7 में तो वो एफ भी लेता है और नॉर्मल भी लेता है। एफ वाले में जो ग्राफिक्स कार्ड लगता है तो क्या मतलब उसमें क्या, जैसे क्या कैसे काम करता है वो? देखो कोर तो सेम है, 8 कोर है। एफ वाले की जो बेस स्पीड है अप्रोक्सीमेटली, जो बेस स्पीड है 2.9 है, हम के वाले की लेते हैं तो वो है 3.8। हाँ। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। है तो है, सही है। ओके, और बात करूँ मैं अगर i9 पे? i9 कौन सा? i9 में तुम्हारा 10th जनरेशन? 10th जनरेशन में तो 10 कोर का है, अगर 11th जनरेशन i9 लोगे तो वो 8 कोर का है। ओके, और प्राइसेस क्या है 10th जनरेशन i9 आपको? देखो उसमें भी काफ़ी सारे तीनों वेरियंट है, के है, के एफ है और प्लेन है। प्लेन है, और अगर बात करूँ एफ की तो क्या? तो 10th जनरेशन में एक आएगा आपका 10850 के, वो पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली आपको 36000 का। 36000, और एफ वाला? एफ वाला आपको पड़ जाएगा 32000 समथिंग का। 32000, और नॉर्मल प्लेन जो है? प्लेन पड़ेगा 34000 का समथिंग का। अच्छा, जैसे अगर कोई मतलब जैसे कंफ्यूज है कि उसको कौन सा, मतलब जैसे किसी को एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या अच्छा होगा, इंटेल के प्रोसेसर या फिर AMD वाले? देखो मैं ब्रांड फेवर तो करूंगा नहीं, कोर देख के लो। कोर देख के लेना है? हाँ। और अगर मैं किसी दो में बराबर कोर्स हैं और थ्रेड्स हैं? हाँ। इंटेल और राइजन? रेट का वेरिएशन देखना है। रेट का वेरिएशन? प्राइस का। प्राइस का वेरिएशन, ओके, मतलब काम दोनों सेम करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो कॉमन सी बात है, अगर आप 3.5 लाख रुपए का इंजीनियर भी हायर कर रहे हो उसके हिसाब के टूल दोगे तो वो तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, ये भी है, ठीक है ना। आप बोलो कि उसे टूल दे रहे नहीं हो, आप उसे बोलो भाई काम करके दे, अब मैं तेरे को इतनी सैलरी दे रहा हूँ, वो कहाँ से काम करके देगा? ये भी है, ठीक है ना। तो वही बात है, चीजों के हिसाब किसी, अगर i7 लगा रहे हो, के वाला लगा रहे हो, आप सोचो मैं H510 बोर्ड लगा दूं काम चल जाएगा, कहाँ से चल जाएगा? के वाले के लिए तो कम से कम जेड सीरीज का मदरबोर्ड चाहिए। चाहिए मतलब जिस लेवल का चीज लोगे उस लेवल की और भी दूसरी चीजें होनी चाहिए। देखो एकला व्यक्ति कभी है ना, एक कहावत कहते हैं, एकला चना कभी भाड़ी नहीं फूकता। मतलब इसका मतलब है एक चने के लिए कभी भट्टी नहीं चलाई जाती है। हाँ, ये भी है, ठीक है ना। तो भैया सारी चीजें लोगे उसके हिसाब की तभी काम होगा। आप सोचो खाली प्रोसेसर काम कर दे तो नहीं करेगा। मतलब अगर प्रोसेसर ले लिया और सोचेंगे कि अच्छी गेमिंग हो जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, तो देखो खाली ग्राफिक कार्ड भी काम नहीं कर सकता, खाली प्रोसेसर भी काम नहीं कर सकता, उन लोगों के हिसाब की चीजें लेनी पड़ती है। ये बात तो सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने राइजन के प्रोसेसर्स पे। तो राइजन की बात करूं मैं, अगर लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे गाइस, आपने काफी ज्यादा कमेंट भी किया था कि 3200G वो है नहीं गई, वो नहीं मिल रहा है? मिल रहा नहीं है, और मिलेगा भी तो देखो सीधी बात है, 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, अगर किसी के पास मिला तो महंगा देगा, शॉर्टेज चल रही है और लोग बागों को वही चाहिए। तो जिसको चाहिए होता अगर उसका रेट था अप्रोक्स जो शुरुआती 8000 समथिंग था, ठीक है ना। आज की डेट में अगर मैं कहीं से मंगवाऊँ अरेंज करूँ तो मेरे को भी 14-15 का मिलेगा, इससे अच्छा तो मैं i3 10th जनरेशन 4 कोर 8 थ्रेड है, 2.9 up to 4.0, 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, 3.7 up to 4.4 प्रोसेसिंग स्पीड है उसकी, 7000 का प्रोसेसर हो गया। इसमें मैं आपका 2GB 730 ग्राफिक कार्ड लगा देता हूँ, DDR5 ASUS का, वो कितने का, 4250 का वो हो गया, तो दोनों मिल गया 11250 हो गए, तो वो प्रोसेसर कितने का पड़ा, 14000 कुछ समथिंग का, तो मेरा पैसा यहाँ बचेगा, सही थोड़ा लगाओ। अच्छा राइजन 3 जो है नॉर्मल जो है उसकी क्या प्राइसिंग रही? राइजन 3 में मेरे पास सिस्टम जो पड़ा है 3300X पड़ा है, 3300, और प्राइसिंग वो पड़ेगा 13000 का, 13000 का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 4650G की? 4650G पड़ा है मेरे पास 20000 का, वो
20,000 का? और क्या मतलब जैसे कैसे स्टॉक है वो? हाँ, 4-5 पीस पड़े होते हैं मेरे पास, और किसी के पास हो ना वो मेरे पास है। okay. जो लेन देना नहीं है किसी के पास होगा नहीं होगा। बंदे बोलते हैं इस प्रोसेसर का नाम नहीं सुना, मैं गूगल सर्च करो, देखो रेट के लिए अगर आप सर्च करते हो तो प्रोडक्ट के लिए भी सर्च करो। ये बात ठीक है ना, हर चीज गूगल अंकल जिंदाबाद करते हो, तो एक बार और करो। और अगर बात करो 5600G की? 5600G वो भी पड़ा है। और क्या प्राइसिंग है? 24,500 में। ठीक है, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो 6-12 थ्रेड है, उसकी कैश मेमोरी थोड़ी कम है। अच्छा, क्योंकि कैश मेमोरी बीच में उन्होंने घटा के उसमें जीपीयू भी तो दिया, एपीयू कर दिया ना। हाँ, जैसे राइजन 5 3600 है, हाँ, उसमें भी 6-12 है। हाँ, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस सिर्फ एक में ग्राफिक इनबिल्ट है, एक में नहीं है। अच्छा, और अगर कोई लेता है 5600G तो कैसी मतलब गेम कैसे खेल पाएगा वो? भाई देखो मैं बना के देता हूँ, मैंने खेला नहीं है, मगर हाँ बंदे सर्च करके आते हैं, मैंने ठीक है जो मांगा वो ही दे दूँ। नहीं अगर मेरे से बोलते भैया आप बताओ, तो देखो मैं तो अगर AMD में ही जाना है उस बंदे को तो मैं सीधा बोलता हूँ आप 3600 ले लो, उसके साथ में ग्राफिक कार्ड लगा लो। ये सही, हाँ ठीक है ना, सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी लिया था तो 3600 के साथ 1050 Ti लगा, अच्छे गेम खेल रहे थे, मस्त थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और 12 थ्रेड उसमें और 32 MB कैसे के साथ में एडिटिंग भी अच्छी हो जाती है भाई, होती है। अगर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक और डेडिकेटेड ग्राफिक में फर्क होता है, ये चीज समझनी चाहिए। बंदे बोलते हैं कि इसमें ग्राफिक इनबिल्ड है, ये फर्क पड़ता है। ऐसे तो इंटेल में भी UHD ग्राफिक इनबिल्ड है, UHD अल्ट्रा HD ग्राफिक है, ग्राफिक लेने की जरूरत ही क्यों? सही बात है, बस यही बात है। और अगर बात करो 5600X की? 5600X मिल जाएगा 21,500 का। सो गाइस अब आते हैं राइजन 7 पे, राइजन 7 की क्या क्या प्राइसिंग है? राइजन 7 में कौन सा लोगे? 3700X लोगे वो पड़ेगा आपको 25,000 का। 25,000 का, ठीक है। 8-core 16-thread 36 MB कैसे के साथ में। और अगर बात करो राइजन 9 की? राइजन 9 में मेरे पास अभी लेटेस्ट वाला पड़ा है, वो पड़ा है आपका 5900X, ठीक है, और आपका 5950X। क्या प्राइसिंग है दोनों की? जो भी मार्केट रेट होगा ना उससे 3,000 रुपए नीचे। 3,000 रुपए उन दोनों में का है। और अगर खाली प्रोसेसर नहीं देता? खाली प्रोसेसर नहीं देते भाई, देखो अगर 50,000 का स्टॉक रख के बैठा है बंदा तो खाली चीज तो देगा नहीं। ये भी आप भी समझो, खाली 50,000 का प्रोसेसर है, वो बंदा रख के बैठा है पूरा सिस्टम बनाने के लिए रख के बैठा है, नहीं तो मैं भी वही कर सकता था। हाँ भैया आए हैं, भैया 2 मिनट दो मंगवा के दे रहा हूँ, मैं भी कर सकता था। अगर मैं स्टॉक रख के बैठा तो मैं भी चाहूंगा मेरा पूरा PC बिल्ड करूँ। अगर कोई खाली लेना चाहे तो क्या मतलब उसको कम नहीं मिलेगा? 3,000 नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर आता है तो उनको तो देना पड़ेगा? आपके जो भी सब्सक्राइबर आए हैं लेके गए हैं, उन कमेंट भी करे होंगे कि जैसा बोला था वैसी कमिटमेंट है। एक तो सब्सक्राइबर तो ऐसा है कि ग्राफिक कार्ड इतने नीचे पी कितने का मिला, उनको 75 का मिला था, मैंने अपनी दुकान से 72 का दिया। अच्छा, हाँ सजेशन भी देता हूँ, जो बंदा जैसे आउट ऑफ दिल्ली से है और बंदे को PC बनवाना है आ नहीं सकता, तो सजेशन भी दे देते भैया फोन पे कि भैया वहाँ से ले लो ये चीज ले लेना। बस प्राइस सही लगाते हो भाई, प्राइस की तो गारंटी है, पूरे मार्केट में बेच दोगे। चलो ठीक है गाइस, आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो भैया पे, क्योंकि भैया आप कमिटमेंट दे रहे हैं। कमिटमेंट पूरी है भाई, आपने पहले भी वीडियो डाली होगी, आपके जो भी देख के आए हैं अगर उनको वैसा नहीं मिला हो कमिट कराओ तब बता देना। और बताओ, ठीक है तो गाइस आप अश्योर रह सकते हो कि भैया एकदम अच्छे प्राइस देंगे आपको और पूरे मार्केट में। प्राइस की गारंटी, रेट की गारंटी, मतलब एक एक जेन्युइन प्रोडक्ट की गारंटी। आपका सामान जो होगा सील्ड पैक होगा, अपने हाथ से खोलो, अपने हाथ से लगवाओ लड़के से, सो किसी दी बात है। जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट है, आप अपने हाथ से खोलो, ओपनिंग खुद ही कर लो, तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है कोई डाउट हो जाएगा? और गैस भैया के पास स्टॉक की तो कमी नहीं, आप देख ही सकते हो पूरा वेयर हाउस। और सीरियसली गैस हर एक में ग्राफिक्स कार्ड भैया ने यहाँ भी इसको भी खोला तो इसमें पता नहीं 2060 से ऊपर रखा हुआ था। अच्छा यहाँ पर भी कोई है भैया, अभी और भी दिखा रहे हैं, ये भी है। ओके यहाँ पर भी है, ये सारे ग्राफिक कार्ड है। अच्छा ये सारे जोटेक का है। अच्छा जोटेक भी है सब, देखो ब्रांड नहीं बोलेंगे, हम ब्रांड फेवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वो तो मतलब ठीक है, ठीक है ना, जो चीज वो मिलेगा मेरे पास सब चीज। हाँ और अगर किसी को थ्रेड रिपर लेना हो तो क्या वो रखते हो? थ्रेड रिपर भी है भाई, थ्रेड रिपर भी है। हाँ? और प्राइसेस उसके कैसे रहते हैं? देखो मार्केट रेट बताओ, अगर ज्यादा हैवी पीसी बिल्ड करा रहे हो, आपको लग रहा है 32 कोर का चाहिए, पहले ट्राई कर लो कहाँ क्या रेट मिल रहा है, मेरे पास आओ। अगर मुझे लगता है मेरे पास नहीं है और मुझे रेट अच्छे देने, क्योंकि देखो कोई भी 4-5 लाख रुपए ऐसे तो देगा नहीं कि हाँ भैया तुम्हारी वीडियो देखी मैंने 5 लाख ले लो बना दो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, मैं गलत नहीं बता रहा? सही 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 भाई, इतना इजीली कोई ट्रस्ट थोड़ी करेगा इतने अच्छे इतने ज्यादा पैसे, ठीक है ना। तो भाई पहले रेट ट्राई कर लो, एक बार बता दो मुझे इतने का मिला, अगर मुझे कोटेशन देकर मुझे ये पता पड़ रहा है कि ये चीज इसके हिसाब की नहीं है, मैं तो वो भी बता दूंगा। और रेट की बात रही तो बीट तो मैं 200
200% कर दूंगा। इतने कॉन्फिडेंट हो आप? 200% 200% की गारंटी। चलो बढ़िया है। ओके गाइस, तो अब आते हैं हम लोग अपने मदरबोर्ड के प्राइसेस पे। मदरबोर्ड आपके पास कौन कौन से है वैसे, कौन कौन से कंपनी के? पहले देखो कंपनी साइड। सो गाइस, अब हम लोग जल्दी से मदरबोर्ड की प्राइसेस पे आते हैं। और हाँ गाइस, ग्राफिक्स कार्ड की जो वीडियो है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आकर आप ग्राफिक्स कार्ड की वीडियो चेकआउट कर लो, ठीक है, अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो भैया जानते हैं अब मदरबोर्ड का प्राइसेस। तो मदरबोर्ड में स्टार्टिंग के मदरबोर्ड कौन कौन से हैं और क्या प्राइसिंग में होंगे? शुरुआत है A320 AMD के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका B450 में भी दो है, एक दो रैम स्लॉट है, एक चार रैम स्लॉट है। अच्छा, और दोनों का प्राइस क्या है? एक पड़ेगा आपको 46 समथिंग का, एक पड़ेगा 6000 समथिंग का, चार रैम स्लॉट, 128GB रैम सपोर्ट के साथ में, ठीक है। और A320 की क्या प्राइस है? A320 पड़ेगा आपको, देखो ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 3400 का भी है, कोई 3600 का, कोई 4200 का भी है। ओके, मतलब आजकल अच्छी कंपनी लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। वारंटी सबने 3 साल देनी है भाई। अच्छा, वारंटी सबको फेवर नहीं करता, ठीक है। सो अगर बात करो उसके बाद B550 की, B550 मिल जाएगा। क्या प्राइसिंग रहेगी, कौन कौन सी? देखो उसमें भी दो रैम स्लॉट, चार रैम स्लॉट। अगर B550 लेते हो आप कितने का, 8500 का भी है, 9000 का भी, 10000 का भी, अगर B550 लेते हो तो वो मिल जाएगा आपको 25000 का भी। 25000 का भी भाई, नाम के ऊपर नहीं लिखा होता ना, उसका काम क्या है? हाँ, ये जैसे आप जेड इंटेल में देखो, आपने देख लिया Z490 14000 से चालू है और भैया 30-35000 तक का भी आता है। यहाँ पर कस्टमर क्या देखता है, सिर्फ हाँ Z490 बस, और कुछ नहीं। कस्टमर लेने आयो भाई, वो तो मेरे को Z490 दे रहा है, वो इतने का दे रहा है 25000 का, और आप मेरे को इतने का दे रहे हो, तो यहाँ वो चीज नहीं देखता कस्टमर की, उस वो जो बंदा 25000 का बोर्ड बता रहा है उसमें क्या है और इसमें क्या है, क्योंकि कंपनी तो 1000 प्रोडक्ट बनाती है। और अलग सब अलग रहता है, कोई दो रैम स्लॉट चार रैम स्लॉट, किसी में VRM ज्यादा, किसी में DP डायरेक्ट 4K सपोर्ट है, किसी में HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस है, फिर आपका वो डिजिटल टू एनालॉग ऑप्टिकल 3D साउंड है, मतलब बहुत सारे डिफरेंस है गाइस, ठीक है। तो अगर बात करो Z490 की, क्या क्या प्राइसिंग उसकी है? Z490 अभी Z490 आपका 16000 से चालू है। 16000 चालू, हाँ। राइजन के लिए X570 उसकी क्या प्राइसिंग है? X570 मिल जाएगा आपको शुरुआती 17500 से। और B560 जो है उसमें क्या क्या है? 560 इंटेल का है, उसमें क्या क्या आप दे, मतलब कौन सी प्राइसेस है? भाई देखो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है प्राइसेस, ऐसा कवर करेंगे प्राइसेस, मैंने बता दिया वीडियो में कुछ और बंदे ने किसी और ब्रांड का देख लिया तो दिक्कत आपको भी हो जाएगी और मेरे को भी हो जाएगी। और स्टार्टिंग वैसे प्राइस क्या बता दो फिर, सबसे बेस प्राइस जो 8000-9000 के आसपास, 8000-9000 के, क्योंकि हम प्राइसेस इस वजह से नहीं बोल सकते ना, मैं सिर्फ नाम के ऊपर बता रहा हूँ प्राइस, और वो बंदा किसी और ब्रांड में चला जाए, ये चीज किसी और ब्रांड में कोई और वाला, हाँ, तो क्या होगा, वीडियो में फेंकते हैं। सही कह रहे हो। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को 10000 के अंडर का लेना है राइजन के लिए बेस्ट मदरबोर्ड, कौन सा बोलोगे आप? मैं B450 4 रैम स्लॉट 4 रैम स्लॉट 10000 के अंदर का नहीं है ये, तुम्हारे 6500 के अंदर का। अच्छा, 6500 का बता रहे हो। अच्छा, चार रैम स्लॉट मिले मुझे, BIOS ही तो अपडेट करनी। अच्छा, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ B550 स्टील लेजेंड है ASRock का, उसकी क्या प्राइसिंग? 15600 है। अच्छा गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, ठीक है, अभी भैया से और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वीडियो स्किप मत करना या बंद मत करना। अभी हम लोग भैया से पूछेंगे कीबोर्ड की क्या प्राइसेस है, कूलर फैंस की क्या प्राइसेस है, क्योंकि अगर आप बिल्ड करोगे गाइस तो उसमें ऑब्वियसली लगाओगे ही, तो कैसी प्राइसेस दे रहे हो? कूलर की कितने MM का है? देखो मेरे पास एक MSI का कूलर है, जब आप आओगे बनाने मार्केट रेट होगा ना, मैं आपको सामने दिखा दूंगा कि कितने का वेरिएशन दे सकता हूँ, रेट बता के मैं देखो खराब नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब मार्केट से क्या सस्ता दे रहे हो आप भाई, ये भी नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, समझो, समझ रहा हूँ, हाँ ठीक है। मैं देखो वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है, और किसी की चीज़ हम किसका बता रहे हैं, हम आपस में बात करके वीडियो बना ले वो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर भी कोई दिक्कत आए और मेरे ऊपर भी कोई दिक्कत आए तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, समझो। बात तो है, ठीक है, आप भी देखो आगे बढ़ना है करके बढ़ेंगे, मगर किसी का कंपनी कुछ कर दे, समझो। सही बात है, मैं समझ रहा हूँ ये सब चीजें। अच्छा अगर मैं बात करूँ ऐसे नॉर्मल फैन का एंड स्पोर्ट का, जैसे दिख सकता है मुझे, ये लो, तीन का सेट है, कितने का? तीन फैन का सेट है हाँ। और ये होगा अपना 2800 रुपये का, 2800 होगा। अच्छा होगा, मतलब अगर कोई लगवाएगा तो उसको आप इसी श्रेणी में दे सकते हो, ठीक है। और वैसे मतलब कितने का वैसे आ जाता है ये सब, अगर बात करो जैसे नॉर्मल? देखो एक सिस्टम जब बनवाते हैं ना उसके हिसाब से देखा जाता है कि मैं कौन सी चीज कितने की दे सकता हूं, मतलब कोटेशन जो बात कर रहे हो आप। हाँ, इसमें आपकी 9 आइटम है, 9 आइटम में आपको, आप सिर्फ 3 आइटम पे फोकस करोगे,
कि मुझे ये सस्ती चाहिए, सबसे पहले बंदा क्या देखता है, मेरे को प्रोसेसर इतना सस्ता मिल रहा है, मगर नीचे का आइटम नहीं दिखता ना, वो क्या मिल रहा है, वो चीज़ भी देखना है। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए थोड़ी सीख है, ठीक है, तो और आपने स्किप नहीं किया इसलिए आपको फायदा हुआ, ठीक है। और अगर बात करूं कीबोर्ड्स की, एंड का कीबोर्ड आता है, क्रॉसिंग बाइट का, ये सब कितना के दे दोगे आप? ऐसे दे देंगे। मैकेनिकल की अगर बात करूं? नहीं, मैकेनिकल तो 2300 रुपए का। 2300 रुपए का स्टार्टिंग है प्राइस आरजीबी के साथ? स्टार्टिंग का है, मैं तो मैन बढ़िया कीबोर्ड बता रहा हूँ उस रेट पे। अच्छा दिखाता हूँ, अच्छा ये देख सकते हो, यहाँ भैया निकाला एंट का, इसकी क्या प्राइस बताई भैया? 2350 में ले लेना। 2350 में? और गैस सीरियसली बताऊँ, ये भैया बहुत बेस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ। और अगर कॉस्टिंग बाइट का अगर कोई लेता है तो भैया जो मेरे पास है नहीं उसका रेट नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। और जैसे ये मैकेनिकल में है, नॉर्मल जो एकदम मेम्ब्रेन दिखाइए भाई। ओके ये मेम्ब्रेन में है, इसकी क्या प्राइस? ये कॉम्बो है वैसे? हाँ। इसकी क्या प्राइस? 5 बटन माउस के साथ में 32 5 बटन माउस के साथ में आरजीबी विद रिस्ट पैड है। हाँ, रिस्ट पैड। हाँ, कितने के लोग? 1150 का ले लो। 1150 का? ओके। और इसकी जो आप इसके जो माउस है इसमें कितना डीपीआई है? यहाँ पे लिखा होगा आपका गैस 3200 DPI है इसमें। और इसकी एक और भैया दिखा रहे हैं गैलेक्स का, देख सकते हो गैलेक्स का माउस है। इसकी क्या प्राइस? 700 रुपये। 700 रुपये में। और इसकी मैं डीपीआई की अगर बात करूँ 6400 इसमें डीपीआई है गैस, ठीक है। तो भैया काफी अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं इसको। और यहाँ पर हेडफोन भी निकाल लिया, आपको एकदम पूरे गेमर बना के छोड़ेंगे सुपर वाले। अच्छा भैया इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी फिर? ये ले लेना 1200 रुपये का। 1200 का गैस? सीरियसली बहुत अच्छा ये प्राइसिंग दे रहे हैं भैया, और इट इज़ रियली ए गुड हेडफोन गैस। सीरियसली मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है, मैंने और भी बहुत सारे यूज़ किए वैसे, इसको भी यूज़ किया है मैंने वैसे। और अगर बात करूँ इन सब के अलावा और क्या क्या है आपके पास? मैं पेटी खोलनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। ठीक है गैस, तो बहुत सारे हर चीज़ है, आप शॉप पे विजिट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा। भैया ने एक और हेडफोन निकाला, आप देख सकते हो स्नाइजर कंपनी का है। सीरियसली स्नाइजर का ये, आप समझ सकते हो ब्रांड इसका कहाँ अलग लेवल पे। भैया इसकी क्या प्राइसिंग दे रहे हो? ये दूंगा 2400 रुपए का। 2400 में सनाइजर का? दो ये क्या? इसमें 2 ईयर वारंटी होती है, और दूसरा ये सिंगल पीस नहीं, कॉर्पोरेट में जाता है 20 पीस 40 पीस 50 पीस, यही। और गाइस इसकी क्वालिटी आप समझ ही सकते हो, ये अलग लेवल का चीज है ये भी। देखो एक तो ये 2400 रुपए, दूसरा 2 साल वारंटी, तीसरा USB इसमें, ओके। इसमें नॉइस कैंसिलेशन, मतलब काफी सारी चीजें जो एक ये कॉर्पोरेट कंपनी में जाता कॉल सेंटर के लिए, तो उस हिसाब का हेडफोन। ओके ओके ओके, ठीक है गाइस। तो यहाँ मैंने सारी चीजें कवर कर ली, प्रोसेसर मदरबोर्ड्स, और मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस भैया का एड्रेस दे दूंगा। भैया के वेयर हाउस में इतना आइटम है मैं क्या बताऊँ। अभी एक और नहीं दिखा सकते, बस बात यही आ रही है। हाँ ये भी, और गाइस एक और वीडियो में कवर करने वाला हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो, और उसमें ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस होंगी, तो डू चेक इट आउट दैट वीडियो ऑल्सो। और गाइस भैया की शॉप का मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, आप भैया को कॉल कर लो, ठीक है। आपको जो भी मंगाना हो आराम से मंगा सकते हो, सामान भर भर के गाइस आप देख ही सकते हो। भैया अभी तरस रहे कि कौन सा सामान खोल के आपको दिखा दूँ। ठीक है गाइस, तो इतना था इस वीडियो में, एक और वीडियो भी आने वाली है, डू चेक इट आउट दैट वीडियो ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।